सो हे बडी, वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस अभी ना कितना टाइम हुआ है? 11:30। हाँ, 11:22 हुए हैं और अभी हम लोग ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और वैसे साहिल आज सो के नहीं उठा था क्योंकि इसको उठ गया था। सो के 7 बजे मतलब ब्लॉग अपलोड करके फिर सो गया था साहिल। तबीयत खराब है ना, तो हाँ, ऐसे वही था। और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो इधर, ना ही धूप है ना ही बारिश है भाई, मस्त हवा भी दे रही है, हम लोग आराम से बैठे हैं और अच्छा लग रहा है। बट इसको अच्छा नहीं लग रहा, मैं ना लेटे लेटे वीडियो वगैरह देख रहा था और पता है ये स्किन के बारे में सब देख रहा था, ठीक है। अच्छा, जो अपना स्किन प्रॉब्लम होता है उसका मेन रीज़न होता है पानी। हम लोग क्या करते हैं, पानी तो नहीं पीते हैं, मतलब कि मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा पानी नहीं पीता। और वो वीडियो में जितना भी कुछ बताया सब सही से बताया, फेस वाश वगैरह यूज़ करना चाहिए क्योंकि इससे स्किन के ऊपर जो डस्ट वगैरह रहते हैं वो सब हट जाते हैं। एंड सोते टाइम भी फेस वाश यूज़ करना चाहिए एंड पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, बिकॉज 70% पानी का ही यूज़ है स्किन के ऊपर, ठीक है। सो अब से मैं पानी बहुत ज़्यादा पीऊँगा, बट तबीयत सही हो जाए तब फिर स्टार्ट करूँगा ज़्यादा पानी पीना, क्योंकि गले में कुछ हुआ है, पानी नहीं जा रहा होगा, गले में पानी नहीं घुसते। और पुचरी को देखो, सुबह सुबह जाके ये क्या लगा ले है सब पेंट में, चोर काटा, चोर है साला, चोर है, चोर काटा लगा ला है। कल पूछो मिलने गया था या नहीं, मिलने गया था या नहीं, नहीं को कॉल कॉल हाथ नोनी के टाटा मारती मेरे को, ये देखा मिलने गया देख बे भाई, पूछ आज भी गया था, देख आज भी गया था, इसलिए इतना सब कुछ लगा इसके। हाँ वो तो पता है भाई, पूछ रही थी मैं भी नहीं दूंगा, है माय इनकी कांटी नहीं है, माय माय तेरी कांटी है। हाँ। कितना कांटी है तेरी? मेरी दो है, दो है तेरा एक मेरा एक ना। वो वाली क्यों मैं लूंगा, कौन वाली? ओ सी सी ना इधर जानता हूँ, स्कूल आती है, स्कूल आती है, कौन स्कूल आती है? चल कोई ना, और भी दो तीन पटा ली तेरे नहीं है क्या, तेरे तू इस बात पे पूछ रही, भी रोस्ट मार रहा है साहिल, इसके बाद साहिल डाल दिया ये डेट वाला खुद को मुझे दे। चल चल कहीं जाते हैं बाहर घूमते हैं मस्त, तो अभी तक तो नहीं खाया, जाके खा ले चल, बात दिल की तो उतर ना, उतर ना, उतर रहे सच कह रहा तेरे कसम। चल गए सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, तो गाइस हम जा रहे हैं अभी मार्केट, सालों में नाश्ता नहीं किया, नाश्ता करके आता है तो गाइस उसकी मम्मी भी कर रहे हैं कहाँ जाएंगे, तो पति बोलता है कहाँ सालों में जा रहे हैं, छोटी सी आशा। सो चलो चल के नाश्ता करते हैं, कौन करेगा नाश्ता, ये करेगा? मैं नहीं करूँगा। क्यों, खा क्या? पुचरी भी खा के आया है? नहीं, पुचरी खा के आया घर से, मैंने देखा है कुरकुरा खाए थे। तो हम लोग चल के नाश्ता करते हैं और हसन एडमिशन का कुछ बातचीत कर रहे हैं। सही से पूछना कब एडमिशन चालू होगा, वेबसाइट ओपन होगा। बेटा क्या खाएगा? कस्सापुरी। कस्सापुरी तो घुगनी और नाम। मेरा नाश्ता हो चुका है, पुचरी कर रहे हैं नाश्ता। क्या हुआ? यहाँ पे वेबसाइट में चेक इन करे, देख के आजा पैसा। वेबसाइट ओपन नहीं हुआ साला, कब का नहीं हो रहा है, शायद मेरे को पढ़ने देने का मन ही नहीं है। पढ़ने देने का क्या बोल रहा है तू? तो देखो यार, घर आने के बाद मैंने अपने लिए पानी गर्म किया क्योंकि मेरे को सर्दी हुई है, तो इसलिए मैंने अपने लिए पानी गर्म कर लिया। एंड अभी पानी पी के मैं जाऊंगा अम्मी को लेकर अस्पताल, बिकॉज कोई रिलेटिव हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है, तो अम्मी जाएंगे उनको देखने के लिए। तो देखो यार, ये रहा अस्पताल, एंड हमारे घर से ये 8 किलोमीटर है और यहाँ पर मेरी एक बहन एडमिट है, आई मीन फूफू की लड़की, तो उनका कान में ऑपरेशन हुआ है, पता नहीं क्यों, बट जो भी हम लोग देख के आए और अम्मी ऊपर हैं, आ रहे नीचे, आने के बाद हम लोग घर चलेंगे। सो अम्मी उधर जा रहे हैं, सो चलते हैं अपने घर। और गाइस अभी ना 5:27 हो गया है और साहिल गया था उसकी अम्मी के साथ कहीं, और आने के बाद में लेटा है तब से और उठ भी नहीं रहा है, और इसको बुखार भी आया है शायद, और यहाँ पे आने के बाद से लेटा ही हुआ है, थोड़ी थोड़ी बुखार आई है और बोल रहा था हॉस्पिटल जाएंगे, तो अभी इसको लेके हॉस्पिटल जाना है, चलते हैं इसको लेके हॉस्पिटल। साहिल चल चलते हैं, दवाई वही लेके आते हैं, सर में दर्द हो रहा है मेरा।
क्या करूँ, चलना चलते हॉस्पिटल देखते क्या आता है, दवाई वही लेके आते हैं फिर। इधर नाक के अंदर में भी दर्द, वो जो नहा रहे थे ना बारिश में भीग के, अम्मी भी वैसे बोल रहे कि तुम लोग खेत में आए थे बारिश में इसलिए दर्द ही पकड़ा है। मैंने कि वो तो एक महीना हो गया होने पर आया अभी, तब शायद उसी का ही है सर। चौथा अभी लगा, चार्जर चार्जर था ये लगाइए। गुड ना, ठंडी लग रही है मेरे को, कुछ कपड़ा लेना है उधर से। हाँ सब वो रूम में थोड़ी नहीं कहूँगा तो छोड़ी, इधर रहने दे, उधर से साठ देता हूँ। तो देखो अरे अभी ना हम लोग जा रहे हैं मार्केट, वहाँ पे डॉक्टर को दिखाएंगे। बट उससे पहले देखो हमने कल BSNL का सिम डलवाया था एंड नेटवर्क नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो BSNL दिखा भी रहा है, ये देखो BSNL, ठीक है। सो चलते हैं जहाँ से हमने सिम लिया था उसको भी दिखाएंगे नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है, सिम एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक अच्छे डॉक्टर रहते हैं, वहाँ पर हम दिखाते हैं। तो डॉक्टर ने मेरे को एक प्रेस्क्रिप्शन दिया है एंड दवाई लाने के लिए बोला है, तो लेके आते हैं फिर यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो मैंने मेडिसिन ले लिया है, अब चलते हैं डॉक्टर के पास। तो देखो मैंने अपने फोन को स्विच ऑफ किया एंड ऑन किया तो BSNL का नेटवर्क आ चुका है बट कॉल नहीं लग रहा है। क्या फिर रिचार्ज करना पड़ेगा? 250 में, डेढ़ में ना, डाटा कितना आएगा? डेढ़ जीबी। 1 मंथ का नहीं होगा? नहीं होगा, शुरुआत में इतना मिलेगा, उसके बाद 1 महीने होगा। उसके बाद उसे कितना पड़ा है? इसके बाद फिर रिचार्ज करूंगा डेढ़ महीने के बाद, 118 रुपये, एक महीने का 118 रुपया। वैसे भी एयरटेल और जियो का तो एक महीने का 300 रुपया हुआ ना, तो इसका डेढ़ महीने का हो गया 250 रुपये, और इसके बाद जो हम रिचार्ज कराएंगे वो 118 रुपये का। सही है, कर दो आप ये रिचार्ज कर दो, ठीक है। हो गया, कर देना फटक से, बस ATM जाना है। यहीं पे रुक, मैं आता हूँ। अबे यार AC लगा हुआ है। तो मैंने ATM से पैसे निकाल लिए, अभी मेरी तबीयत बिगड़ रही है तो घर जल्दी से चल के मेरे को दवाई लेना पड़ेगा, नहीं तो तबीयत पूरा खराब हो जाएगा। सुन, कब से हुई खड़ी थी ना रात की। तो घर आने के बाद मैंने अपने लिए पानी गर्म कर लिया है, एक टैबलेट खाना है मेरे को। एंड ये जो अपना BSNL का सिम था उसका देखो नेटवर्क ही गायब है, और वो दुकान वाले को मैंने पैसा दे दिया है बट अब तक रिचार्ज भी नहीं किया। सो रिचार्ज होने के बाद देखते हैं, अगर नेटवर्क सही से चला तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे भी आपने कमेंट करके पूछा था BSNL का सिम जो लिए आप इंटरनेट कैसे चल रहा है, सो अब तक चला ही नहीं तो बताओ कैसे, जब चलेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये साहिल दवाई खाने के बाद अभी तक सोया है, तब का साहिल का तबीयत भी बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, और उसकी अम्मी आए थे अभी आके, ये पट्टी वट्टी लगा के गए हैं, और बहुत तेज बुखार भी आया है। दवाई लेके तो अभी तक सोया है बट देखते हैं क्या होता है। टाइम रात कितना अभी हुआ है, अभी तो 9:22 हो चुका है और खाना भी नहीं खाया, ये सो गया है। साहिल ओए, सर दर्द अभी है, ब्लॉक एंड कर देता हूँ, क्या बोलते हैं? तो बस गई, यही सब था आज के इस ब्लॉग में। आई होप कि आज का इस ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। पहचानू आप।